और मैं भी को मामावकी का सरबरा हूं, जो को मामावकी के दुआओं से काफी लोगों ने अपने वक्त में जंगे जीती हैं, और इन्हीं को मामावकी की मेहनत से और इन्हीं को मामावकी की हिम्मत से लोग कहां से कहां पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें अपनी असलियत का अभी तक पता नहीं है। आज के दिन नुश्की के आवाम के हिम्मत का और गैरत का मुजाहरे का दिन है। आज नुश्की के आवाम ने यह साबित किया कि आया हम भी बादशाहूर है और हम भी अपना हक लेना और छीनना जानते हैं, और हमें पता है कि किस तरह दूसरे लोगों के सामने हमने खड़ा होना है और अपने हक के लिए आवाज उठाना है। आप लोगों को पता है कि पीडीएम का 25 तारीख को जलसा अयूब स्टेडियम कोयटा में मुनाकिद हुआ है, उसके लिए आप तमाम लोगों ने एक बार फिर इसी तरह जैसे आज आप लोगों ने गैरत का मुजाहरा किया, एक बार फिर आप लोगों ने करना है कि हम इस नालायक इस सिलेक्टेड हुकूमत से बेजार और तंग आ चुके हैं। हमें बस है आप लोगों की हुकूमत से, हमें बस है आप लोगों की सियासत से, आप लोगों का खुदा हाफिज, आप लोग चले जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये वही इमरान नियाजी है जो वोट लेकर नहीं आया, उसे बल्कि सिलेक्ट किया गया है, और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये मुजाहरा करना है कि आप सिलेक्टेड है, आप मेहरबानी करके वापस चला जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आइंदा वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है, और आइंदा हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा, और 25 तारीख के बाद इंशाल्लाह ये किराए के तर्जुमान जो आजकल मीडिया पर भरे आए बड़े है, लोग ऊंच नीच कर रहे हैं पार्टी के हवाले से, पीडीएम के हवाले से, मैं उनको बताता चलता हूँ कि आप लोग 25 तारीख के बाद अपना किराया तनख्वाह